फर्जी मुकदमों में फांसकर एक बीमार इंसान को 2 साल से जेल में बंद किया हुआ है और आज भी कोई साजिश ऐसी नहीं होती, कोई रुकावट ऐसी नहीं डाली जा रही जो बची हो उनकी जमानत होने में। थोड़ा पीछे करो भैया। और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय भाई मेरे परिवार को इंसाफ देगा, आज तक दिया है आगे भी देगा। 23 महीने बाद आज की रिहाई हो रही है सर। बोलने देते हैं। 23 महीने के बाद आज आप अंदर बाहर निकले हुए हैं, क्या कहेंगे सरकार के इस रवैये पे? अब्दुल्ला भाई बोलो 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 बोलो। ये है लोकतंत्र। अब्दुल्ला भाई सर आप बोलते नहीं, बोलते नहीं जितना। मैं बस एक बात कहूंगा आखिरी में, 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा, जालिम भी तक गुप्ता जी कहाँ बैठे हैं? अब्दुल्ला भाई गरीब बेरोजगार एक मिनट भैया, अब्दुल्ला जी एक मिनट, जिन अब्दुल्ला के साथ जिन एक मिनट हट गया है भैया, आपने समर्थक उठा लिया। एक मिनट जी बोलिए 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 भैया भैया सामने जाओ। और गरीब बेरोजगार नौजवान सब लोग जो इस सरकार से हट जाइए भाई साहब प्लीज, वो आने वाली 10 मार्च को। अरे मेरा भैया इंशाल्लाह थोड़ा साइड में हो जाइए भैया, पार्टी कर दीजिए। अब ठीक है अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी।